Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today, in this video, I'm going to explain the third portion of chapter 7 A Visit to Cambridge of Honeydew for Class 8. So, let's get started. A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three dimensional. Is इसमें और इसके सेकंड इसके लास्ट वाले जो सेकंड है यू सेकंड्राफ फ्रॉम हेयर टू कुड बी सीन इस पूरे दोनों पैराग्राफ में थोड़ा सा ग्लिम्स खींच रहे हैं कि इसके ग्लिम्स झलक बतला रहे हैं कि उनका बॉडी दिखता कैसे था स्टेफन हॉकिंग का बॉडी दिखता कैसे था तो फिर दोस्त कंगा कह रहे हैं कि उनकी बॉडी कैसी थी वो हम बतला रहे हैं आपको क्या है थोड़ा सा इस वीडियो में हम थोड़ा सा इसको देखेंगे फिर उसके बाद क्या हम इसको एंड कर देंगे इंशाल्लाह फिर और क्या क्या बात हो उसको भी मेंशन कर देंगे जल्दी से तो जल्दी जल्दी देखिए ए फर्स्ट ऑफ हिम उनको पहली बार देखना इज शॉकिंग शॉकिंग था मतलब आदमी कोई आदमी पहली बार देखता तो देख करके क्या है सदमे में पड़ जाता है दुख हो जाता उसे बहुत शॉकिंग हो जाता है बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ क्योंकि वो एक जमे हुए फोटो फोटोग्राफ की तरह लगते थे ठीक है लगता है उनका बॉडी एज़ इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ़ हिम ऐसे जैसे कि उनकी सारी पिक्चर इन द मैगजीन्स मैगजीन्स के अंदर न्यूज़ पेपर्स के अंदर हैव टर्न थ्री डायमेंशनल जैसे कि वो तीन दिशा वाली हो गई हूँ यानी आधा सर इधर पैर उधर एक अलग इधर एक दूसरी अलग उधर ठीक है तो थ्री डायमेंशनल क्या है उनकी बॉडी पूरी हो गई थी ऐसा लगता था देन यू सी देड ट्विस्टेड साइड वेज इन इन टू अलब ठीक है फिर क्या है कहते हैं कि अगर आप देखेंगे उनकी बॉडी को तो पहले पहली बार जब देखेंगे तो आपको क्या है देख सदमा हो जाएगा ठीक है दुख हो जाएगा शॉकिंग शॉक लग जाएगा आपको क्योंकि उसकी उनकी पूरी बॉडी क्या है बिल्कुल एकदम स्टिल फोटोग्राफ की तरह जमे हुए फ़ोटो की तरह लगती है और आप न्यूज़पेपर्स में और क्या है मैगज़ीन्स में उनकी पिक्चर देखेंगे तो पूरा तीन तरफ क्या है बिखरी हुई है थ्री डायमेंशनल हो गई है ठीक है लेकिन फिर आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि द हेड ट्विस्टेड साइडवेज गौर से देखेंगे कि उनका सर क्या है एक तरफ एक साइड में क्या है ट्विस्ट है मुड़ा हुआ है इन टू और मुड़ कर के बिल्कुल क्या है झुक गया है ठीक है एकदम से एक तरफ का मुड़ करके झुक गया है द टोर्स इन साइड ब्लू शर्ट और उनका जो अपर पार्ट है ठीक है वो अपर पार्ट एक पीली नीले कलर की पीली नीले कलर की मतलब पेल का मतलब हल्के नीली कलर ठीक है हल्के नीली कलर की शर्ट के अंदर क्या है उनका ऊपर वाला हिस्सा एकदम तो शरंक सिकड़ा हुआ है शरंक मतलब उसके अंदर सिकड़ा हुआ है पेल ब्लू शर्ट मीन्स होगा हल्की नीली शर्ट के अंदर उनका आधा हिस्सा ऊपर वाला आधी धड़ क्या है सिकड़ी हुई है शर्ट के अंदर That wasted legs और आप देखेंगे तो पूरा अच्छा लगेगा कि उनका पैर पूरा वेस्ट है बेकार है यू लुक एट हिज आइज अब जब उनकी आंखों में देखेंगे तो विश कैन स्पीक तो ऐसा लगेगा कि वो बोल सकती हैं ठीक है still स्टिल भले ही क्या है वो बिल्कुल जमी हुई हैं लेकिन अभी ऐसा कुछ बोल सकती हैं वो एंड और बोलना चाहती हैं एंड दे आर सेग सम समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट और उनकी आँखें कुछ क्या है बहुत ही बड़ा और कुछ जरूरी बात कहना चाह रही हैं इंपॉर्टेंट थिंग कहना चाह रही हैं जब तो आप उनकी आँखों में देखेंगे लेकिन इट इज़ हार्ड टू टेल ये पता ये कहना मुश्किल है कि वो क्या कहना चाहती हैं बट यू आर शेकन लेकिन आप उनको देख करके क्या है बिल्कुल हिल जाएंगे ठीक है बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थाट फूट बी सीन क्योंकि आपने उनको देख करके ऐसी चीज देख ली है होती है कि जो आपने कभी सोची भी नहीं थी कि आप देखेंगे बिफोर यू लाइक अ लाइन टन हुन सो थिंग यू ग्लिम्स ऑनली द लाइट इन साइड इज द इनखेंडेसेंस ऑफ अ मैन इज द इन इज इनखेंडेश मैन कह रहे हैं कि बिफोर यू आपके सामने अब ये बीच में जो लाइक से लेकर के क्या है इनसाइड तक की बात है ये थोड़ा सा एक्सप्लेनिशन है बिफोर यू के बाद सेंटेंस है बिफोर यू इज द इनखेंडेसेंस ऑफ अ मैन ठीक है आपके सामने एक आदमी के अंदर की चमक बैठी हुई है अंदर की चमक है वो कैसे है यानी आपके सामने बिल्कुल आदमी के जो अंदर की इनर ग्लो होती है चमक होती है वो पूरी दिख 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 रही होती है कैसे जैसे अ like लैंटन जैसे एक लांटन हो लांटन जो आप जानते हैं ना बत्ती होती है लांटन, जिसको आप लामटेन लामटेन बोलते हैं वो लांटन है या लैंडन है दोनों बोल सकते हैं ठीक है सो अ लांचिन एक लांटन की तरह जिसकी दीवार बिल्कुल इतनी पुरानी और इतनी पतली हो गई हैं दीवार मतलब वो जो शीशा लगा होता है ठीक है लंडन में बिल्कुल इतनी पतली हो गई है कि यू ग्लिम्स आप देख सकते हैं ओनली द लाइट इन साइड कि आप उसके अंदर की लाइट को देख पा रहे होते हैं इतनी पतली होती है कि अंदर से लाइट जो जल रही होती है वो दिखती है ठीक है तो ऐसे ही आपके सामने एक इंसान बैठा हुआ होता है लेकिन इतना पतला इतना पतला इतना हड्डी गुड्डी उसकी पूरी पूरी एक एक पुर्जा अंदर का दिख रहा है तो आपको लगेगा क्या है बिफोर यू इज देंट ऑफ अ आपके सामने एक आदमी के आ, इनर ग्लो है एक चमकता हुआ आदमी है जिसके अंदर की पूरी चमक दिख रही है यानी अंदर की पूरी बॉडी दिख रही है ऊपर तो बॉडी है द बॉडी है ऑलमोस्ट ए पूरी बॉडी ऑलमोस्ट लगभग क्या है बिल्कुल बेकार सी है ठीक है इधर उधर बिखरी हुई है एग्जिस्ट ओनली लाइक और वो टेढ़े मड़े मौजूद है उसकी बॉडी और बिल्कुल केस की तरह है. है एक सूट केस होता ना डब्बा तो बिल्कुल डब्बे की तरह है उनकी बॉडी मेड ऑफ शेज दो कौन कौन से डब्बे की तरह कौन से केस की तरह है? केस आपने क्या है उसका भी देखा होगा लांटिन में जो शीशा लगा हुआ तो था उसका भी हम केस बोलते हैं लानटन केस ठीक है तो एकदम केस की तरह लांटन के शीशे की तरह क्या है उनकी बॉडी बिल्कुल ए रिलेवेंट होती है बेकार सी होती है मेड ऑफ़ शेडोज कौन से केस की तरह है? जो छाए से बना हुआ हो छाए से बना हुआ हो ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ओड सा लगेगा लेकिन जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं कहना ये चाह रहे हैं कि इतना मतलब उनकी बॉडी एकदम इतनी बारीक हो गई इतने कमजोर हो गया कि पूरा अंदर का एक एक हिस्सा एक एक पुर्जा क्या है नजर आ रहा है जैसे कि आप जब लालटेन रखी हुई होती है आपके सामने और उसका क्या है शीशा उसकी दीवारें जो केस है उसका एकदम घिस जाता है तो अंदर के पूरे क्या है बत्ती दिखती है आपको उसकी चमक अंदर की बत्ती जु जल रही होती है वो दिखती है ऐसे क्या है आपको इनकी बॉडी के एक एक पार्ट के अंदर का दिख रहा है ठीक है ये कहना चाह रहे हैं अब आपको क्या है जब ये देखेंगे इनकी बॉडी तो आपको लगेगा सो so दैट ताकि मैं यानी फिर दोस्त कहते हैं नो बिलीवर इन इटर्नल सोल्स मैं मेरे जैसा आदमी जो इटर्नल सोल है इन इं, जो इटर्नल सोल यानी मतलब आत्मा को मानता ही नहीं है मेरे जैसा आदमी जो आत्मा को नहीं मानता है नो आई नो ये जान ले ये जान ले क्या जान ले इज वाट ईच ऑफ अस इज यही वो चीज़ है जो हम में से हर एक आदमी के अंदर है यानी सिर्फ अंदर का हिस्सा है ऊपर तो खूबसूरती चढ़ी हुई है जैसे कि क्या है लिपा पोती कर दी जाती है ऊपर से पाउडर लगा दिया जाए चेहरे के ऊपर अंदर क्या हो एकदम से आ, खराब हो चेहरा तो बिल्कुल ऐसे ही यानी आत्मा ही मेन चीज है मैं, ताकि मेरे जैसे आदमी और मैं ये जान ले कि दिस इज वाट ईच ऑफ अस इज यही वो चीज़ है जो हम में से हर एक के अंदर है एवरीथिंग एल्स इज एन एक्सेसरी मतलब एक्सेसरी मतलब एक्स्ट्रा यानी इसके अलावा जो गोश्त हैं हाँ और आपकी क्या है पोस्ट है यानी खाल है बाल हैं ये सब के सब एक्स्ट्रा हैं मेन चीज़ तो आपके अंदर की आत्मा है वरना आपकी बॉडी में कुछ नहीं है आपकी बॉडी में कुछ नहीं है मेन चीज़ आपकी आत्मा होती है और मैं आज ताकि जो आदमी इनको देखे वो आ, वो एक आत्मा के ऊपर बिलीव करने लगे कि आत्मा भी कोई चीज़ होती है वरना क्या है तो मेरे जैसा आदमी तो आत्मा पर बिलीव नहीं करता है सो दैट आई नो बिलीव आई आई के बाद क्या है सेंटेंस कहाँ जा रहा है आई के बाद नो सो दैट आई नो बीच में क्या है वो आई कौन है कैसा आई उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये आपको समझने की जरूरत है ठीक है ताकि मैं या मेरे जैसा कौन आदमी नो बिलीवर इन इंटरनल सोल जो हमेशा रहने वाली आत्मा के ऊपर बिलीव नहीं रखता है आत्मा को मानता नहीं है नो ये जान कि दिस इज वॉट ईच ऑफ इज यही वो चीज़ है जो हम में से हर एक के अंदर है यानी क्या है हम में से हर एक के पास खाली गोश्त पोस्त हड्डी है मेन चीज़ क्या है वो आत्मा है मेन चीज़ वो आत्मा है और गोश्त पोश हड्डी खाल बाल ये तो क्या है ऊपर की चीज़ें एवरी थिंग एल्स इज़ एन एक्सेसरी हर कोई चीज़ इसके अलावा आत्मा के अलावा हर कोई चीज़ ये एक्स्ट्रा चीज़ है खूबसूरती के लिए है मेन चीज़ तो आत्मा है तो जो भी उनको देखेगा वो आ, अगर आत्मा के ऊपर बिलीव नहीं करता है तो उसको पता चल जाएगा कि आत्मा मेन चीज़ होती है रूह आदमी के अंदर जो जान होती है वही मेन चीज़ होती है वरना उसके अलावा सब चीज़ें क्या है एक्स्ट्रा है ठीक है व्हाट डू यू थिंक इज द ये थोड़ा सा उन्होंने क्या किया यहाँ तक आ, उनके ऊपर थोड़ा सा ग्लिम्सेस अब उनकी झलक दिखलाई कि उनकी बॉडी थी कैसी ठीक है फिर दोस्त गंगा ने गई इनकी झलक स्टीफन हॉकिंग की बॉडी की थोड़ा झलक दिखलाई अब उसके बाद क्या है अपना और क्वेश्चन वो मेंशन कर रहे हैं कि हमने क्या क्या पूछा व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर मैंने उनसे पूछ लिया था पहले कि आपको क्या लगता है कि दुनिया के अंदर हाँ, आपको क्या लगता है कि अपाइज अपाइज लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं कि कौन सी चीज सबसे बेस्ट है उनके अंदर अपाइज लोगों के बारे में कौन सी चीज़ सबसे है? बेस्ट है ठीक है तो स्टीफन हॉकिंग ने रिप्लाई किया आई डोंट थिंक देयर इज एनी थिंग अबाउट बींग डिसेबल उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अपाइज होने अपाइज लोगों के अंदर या अपाइज होने में कोई चीज़ अच्छी होती है आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन वर्ल्ड तो स्टीफ यहाँ पे भी आई कौन है आई थिंक आई सिड अच्छा यहाँ पे आई अब वो आ गए फिर तो कंगा आ गए पहले वाले में आई डोंट थिंक वो कौन था स्टीफन हॉकिंग था यहाँ पे बोल रहे हैं आई सेड मैंने कहा यानी फिर तो कंगा कहते हैं मैंने कहा मुझे लगता है कि आपको भी पता चला होगा कि दुनिया के अंदर कितनी मेहरबानी है और दया है किन किन लोगों के बारे में आ, कि लोगों के बारे में डिसेबल्ड यानी अपाइज लोगों के बारे में अपाइज लोगों के ऊपर लोग कितनी दया करते हैं कितनी काइंडनेस शो करते हैं ठीक है ये तो आप भी जानते होंगे यू डू डिस्कवर मतलब ये तो आप भी जानते होंगे कि कितनी काइंडनेस है कितनी दया है दुनिया के अंदर आ, इसके बारे में आ, अपाई लोगों के बारे में कितने लोग दया करते हैं ये तो आपको पता होगा कौन कह रहे हैं फिर दोस्त कंगा कह रहे हैं यस ही सेड ई वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथिस uh, क्या है दैट इट खुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन नो शेड्स और टोन वही बात जो मैंने ऊपर कही थी कि कंप्यूटर वॉइस में न तो कोई अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना तो कोई इमोशंस होता है न तो कोई उतार होता है ना तो कोई चढ़ाव होता है तो वो यस ही सेड कंप्यूटर की आवाज़ आई उनकी तरफ से कि हाँ उन्होंने कहा हाँ कौन कह रहे हैं स्टेफना हॉकिंग कह रहे हैं कि दोस्त कंगा कह रहे हैं कि उन्होंने कहा हाँ क्या कहा अब ये बतला रहे हैं कि इट वॉज अ डिसएडवाटेज ऑफ हिज वॉइस फिर दोस्त कंगा कह रहे हैं कि ये तो उनके कंप्यूटर के अंदर जो वॉइस सिंथिसाइजर होता है वॉइस क्रिएट करता है बनाता है ये उनके वॉइस बनाने वाले की वॉइस सिंथिसाइजर की कमी थी डिसएडवांटेज थी मतलब कमी थी क्या कमी थी दैट इट कु कन्वे नो इन्फ्लेक्शन कि ये कोई उतार चढ़ाव नहीं शो कर पा रहा था कि कितनी इमोशन के साथ कितना भावुक होकर के उन्होंने ये बात बोली है कि हाँ दुनिया के अंदर तो बहुत काइंडनेस होती है अपाई लोगों के लिए तो न, कोई उतार चढ़ाव नो शेड्स नो इन्फ्लेक्शन नो शेड्स और टोन न तो कोई टोन थी कि जो आदमी बोलता है तो उसकी अपनी एक टोन होती है ठीक है एक अलग लहजा होता है और उनका उसका अपना उतार चढ़ाव होता है लेकिन जब कंप्यूटर बोलेगा तो नो इन्फ्लेक्शन नो शेड्स टोन ठीक है तो बोल रहे हैं कि क्या उनके वॉइस सिंथिसाइज़र की ये कमी थी कि जब उन्होंने यस yes बोला तो ये कोई आ, उतार चढ़ाव कोई टोन ये नहीं पहुंचा पाया कि कैसे और कितना भावुक होकर के वो बोल रहे हैं एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथ्यूजियाली अग्रेट मी और मैं नहीं बतला सकता कि वो कितना आ, एक्साइटेड होकर के enthusiastically मीन्स एक्साइटेड होकर के कितना खुश होकर के उन्होंने मेरी बात पर सहमति शो की थी ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि उनके वॉइस सिंथिसाइज़र जो था जिससे वॉइस निकल करके आती थी वो आ, उसकी कमी थी कि वो कोई उतार चढ़ाव कोई टोन वो नहीं बता सकता था क्योंकि कंप्यूटर कंप्यूटर होगा इंसान इंसान होगा ठीक है एवरी टाइम आई शिफ्टड इन माई चेयर और टर्न माई रेस टू वॉच द टाइम हर बार फिदोस दोस्त कहते हैं कि मैं अपनी चेयर में शिफ्ट होता था मतलब हिलता था और अपनी कलाई को मोड़ता था टाइम को देखने के लिए कि कहीं टाइम तो ज़्यादा नहीं हो रहा है आई वॉन्ट uh, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा आई वॉन्ट क्यों मैं शिफ्ट होता था क्यों मैं परेशान होता था अपनी चेयर के अंदर आई वॉन्ट टू मेक एवरी वन ऑफ आवर थर्टी मिनट्स काउंट मैं अपने थर्टी मिनट्स का हर मिनट क्या है काउंट uh, करना चाहता था मतलब कि uh, उसका फायदा उठाना चाहता था ठीक है uh, कि कोई भी एक मिनट तीस मिनट में से कोई भी एक मिनट या एक सेकंड बेकार ना जाए सो आई वॉन्ट टू मेक एवरी वन ऑफ आवर थर्टी मिनट्स काउंट मैं अपना तीस मिनट में से हर मिनट का है uh, उसका फ़ायदा उठाना चाहता था कि कुछ रह ना जाए और कोई टाइम वेस्ट ना हो जाए आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ एंड exhilaration in the possibilities ऑफ my बॉडी uh, मुझे बहुत सुकून mm. महसूस हुआ अपनी बॉडी की पॉसिबिलिटीज़ में मतलब उनसे मिल करके कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ जैसे वो कर सकते हैं ठीक है वैसे ही मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ उनसे मिल करके मुझे लगा कि मेरी बॉडी में अभी बहुत कुछ है तो अपनी बॉडी की पॉसिबिलिटीज़ पर अपनी बॉडी की ताकत के ऊपर क्या है आ, मुझे थोड़ा सा रिलीफ़ हुआ रिलीफ़ एंड एक्सिलेशन मुझे बहुत खुशी हुई और थोड़ा सा आराम फील हुआ अपनी बॉडी की पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर कि मेरी बॉडी के अंदर क्या क्या है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ हाउ लेट इट हाउ लिटिल इट मैटर हाउ लिटिल इट मैटर देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड जब मैंने उनसे मिला तो मुझे ये फील हुआ और मुझे इतना इतना रिलीफ फील हुआ कि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कभी चल नहीं सकता या कभी खड़ा नहीं हो सकता उनसे मिलकर के मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ बियॉन्ड क्लेश फॉर मी ये क्लेशे पढ़ेंगे क्लीशे क्लीशे सी एल आई सी एच ई ये देखो इस ई e के ऊपर थोड़ा सा जबर टाइप में पड़ा हुआ ऊपर ये साइन होती है इस बात की कि ये ई पढ़ा जाएगा ज़्यादातर ई क्या होता है साइलेंट होता है जो लास्ट में आता है नाइन फाइन और आपका डाइन बहुत सारा वर्ड है जिसमें लास्ट में ई है वो साइलेंट होता है चॉकलेट आप देखते हैं वो लिखा जाता है चॉकलेट चोकोलाटे पढ़ते हैं चॉकलेट ठीक है तो उसमें भी ई साइलेंट है तो बहुत सारी जगहों पे लास्ट में ई साइलेंट होता है लेकिन यहाँ पे बहुत कम ऐसा होता है कि ई पढ़ा जाता है तो यहाँ पे क्या है जो लास्ट में ई आया है ये पढ़ा जा रहा है उस क्यों इसलिए कि उसके ऊपर एक साइन लगी हुई है ज़बर की ये साइन होती है इस बात की कि प्रोनाउंस किया जाएगा तो हम क्या पढ़ेंगे इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लेश फॉर मी मतलब विदाउट एनी डाउट क्लेशक इन्होंने क्या है मीनिंग लिख रखी है कि फ्रेज़ और आइडिया यूज़ सो आफ्टर दैट इट लूज इट्स मीनिंग मतलब ये इतना ऐसा फ्रेज़ है और ऐसा आइडिया जो इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि इसकी कोई मीनिंग नहीं है बस हम यहाँ पर क्या है कर लेंगे कि बहुत बिना डाउट के मैं मेरे लिए मेरा किसी डाउट के वो क्या है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन और हिम्मत और हौसला वाले रहे हैं मतलब इनसे मिल करके मुझे बहुत हिम्मत मिली है आई टोल्ड हिम मैंने उनसे कहा कि हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन कि वो कितना मेरे लिए हिम्मत हम का क्या माध्यम बने हैं ये मैंने उनसे बतला दिया ठीक है तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी बियॉन्ड क्लेसे फॉर मी लेकिन क्या है हम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं बिना डाउट के वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या है इंस्पिरेशन हिम्मत और हौसला का माध्यम बने हैं ठीक है एंड श्योरली फॉर अदर्स और पक्का मेरे लिए मेरे लिए ही नहीं मेरे लिए मेरे मेरे साथ साथ दूसरों के लिए भी क्या है वो हिम्मत और हौसला का माध्यम बने जरिया बने डिड दैट थाट हेल्प हिम मैंने उनसे पूछा कि क्या ये थाट आइडिया जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप मेरे लिए बहुत हिम्मत और हौसला का माध्यम बने हैं क्या आपसे इसको कुछ हेल्प मिल रही है आपको कुछ इससे सुकून मिल रहा है नो no. तो स्टीफन हॉकिंग ने रिप्लाई किया ही सेट उन्होंने कहा नो no, नहीं कौन कहा स्टीफन हॉकिंग ने एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉस टू एस जब उन्होंने कहा नहीं तो मुझे लगा मैंने सोचा कि मैं कितना बेवकूफ़ था मैंने ये बात पूछ ली वेन योर बॉडी इज अ क्लास्ट्रोफोबिक रूम

तंग होती जा रही हूँ तंग होती जा रही हूँ यानी पतले होती जा रही हूँ इट डजन डू मच गुड टू नो दैट देर आर पीपल फल आउट स्माइलिंग विद एडमेशन टू सी यू ब्रैथिंग स्टिल स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि जब आपके साथ ऐसा हो कि आपकी बॉडी उस कमरे की तरह हो जाए जिस कमरा बिल्कुल बिल्कुल तंग हो छोटा हो रोज़ाना उसकी दीवार कमज़ोर होते कमज़ोर और क्या है तंग होती जा रही हूँ ऐसी मोरी मेरी भी बॉडी हो गई है बिल्कुल छोटे से कमरे की तरह हो गई है और रोज़ाना मेरी बॉडी कमज़ोर होती जा रही है जो मेरी खाल बाल और क्या है बॉडी के क्या है आ, पोस्त हैं ये सब गोश्त हैं ये सब के सब क्या है घटते जा रहे हैं और कमज़ोर होती जा रही है मेरी बॉडी तो इस टाइम पे आप क्या आपको ऐसे टाइम पे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इट डजेंट डू मच गुड आपको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता टू नो ये जान करके दैट देर आर पीपल कि कुछ लोग आउटसाइड बाहर हैं स्माइलिंग विद एडमेशन जो आपके क्या है तारीफ करके खुश हो रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं टू सी यू स्टिल ब्रेथिंग मतलब आपको ये देख करके कि आप अभी भी जिंदा हैं इतना कमज़ोर हैं रोज़ाना आपकी बॉडी कमज़ोर होती जा रही है और फिर भी आप क्या जी रहे हैं इसलिए आपको देख करके वो खुश हो रहे हैं कि हाँ आपके अंदर हिम्मत है मौत से लड़ने की ताकत है ठीक है तो इससे मुझे ऐसे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता या आप भी अगर हों ऐसे ठीक है तो आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये कह रहे हैं ठीक है ठीके? ये जान करके कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को आपसे खुशी हो रही है या आपसे कुछ हिम्मत मिल रही है लोगों को ओके सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ वन मोर पोर्शन वी विल डिस्कस इन द लास्ट वीडियो द रिमेनिंग पार्ट्स इनशाला